पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया है। साल 2002 में इस रेप केस की जानकारी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने पहली बार किया था। रामचंद्र छत्रपति सिरसा के सांध्य दैनिक पूरा सच के संपादक थे। साध्वी के साथ हुए कथित रेप की खबर प्रकाशित करने के कुछ महीने बाद ही छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिरसा के स्थानीय पत्रकार प्रभु दयाल ने बताया कि साल 2000 में सिरसा में रामचंद्र छत्रपति ने वकालत छोड़कर पूरा सच के नाम से अखबार शुरू किया था। 2002 में उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी हाथ लगी जिसमें डेरे में साध्वी के यौन शोषण की बात थी। उन्होंने उस चिट्ठी को छाप दिया जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। आखिरकार 19 अक्टूबर की रात छत्रपति को घर के आगे गोली मार दी गई थी। इसके बाद 21 अक्टूबर को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि जो शिकायती गुमनाम खत को महान पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने दैनिक पूरा सच में छापा था, उनकी हत्या हो गई। राजेंद्र सच्चर, आरएस चीमा, अश्वनी बख्शी और लेखराज जैसे महान वकीलों ने बिना पैसे के उनका केस लड़ा। एसपीएन न्यूज के लिए काशिफ की रिपोर्ट।